Problem number 14.4 A coil of resistance 100 ohms is placed in a magnetic field of 1 milliwebers. The coil has 100 turns and a galvanometer of 400 ohms resistance is connected in series with it. Find average emf and current if coil is moved 1 by 10 seconds from the given field to a field of 0.2 milliwebers. बसमीम् अल्लाम कैंडल अकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद अलेक्ट्रो मैगनेटिक कंडक्शन सेकेंड ईयर फिजिक्स प्रॉब्लम नंबर फोटीन पॉइंट फोर चैप्टर नंबर फोटीन है तो इसका चौथा प्रॉब्लम जो है उसकी स्टेटमेंट आपने सुन ली एक कॉयल है जिसकी रेजिस्टेंस हंड्रेड ओ होम्स है कॉयल है जी उसकी रजिस्टेंस जो है हंड्रेड ओम है प्लेस्ड एन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन मिली वेबर्स मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ऐसे मार्क कर लेते हैं वन मिली वेबर्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वन मिली वेबर जहां पर यह कॉयल रखी गई है तो वन मिली वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स ये द कोइल हैज हंड्रेड टर्न इस क्वाइल के जो टर्न हैं वो भी हंड्रेड है एन इज इक्वल टू हंड्रेड और हंड्रेड टर्न गिलवानोमीटर ऑफ फोर हंड्रेड ओम्स इज प्लेस्ड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट एक गिलवानोमीटर इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और इस मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो है 400 हंड्रेड ओम्स फाइंड एवरेज ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ फाइंड करनी है और करंट फाइंड करना है इफ कॉइल इज सेकंड फ्रॉम, मूव्ड वन बाई टेन सेकेंड्स फ्रॉम द गिवन फील्ड टू ए फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट टू मिली वेबर्स ये मिली वेबर से ऐसे है तो एक सेकंड के दसवें ऐसे में इसको इस जगह से उठा के जहाँ पे कि उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वन मिली वेबर था तो उससे हटाकर उसको पॉइंट टू मिली वेबर की वाली जगह पे लेके जाया गया है तो इसका आ, क्या फाइंड करना है मैग ई एम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी और करंट इसके अंदर से क्या फ़्लो होगा डेटा इसका लिख लेते हैं डेटा है रेजिस्टेंस जो कोयल की रेजिस्टेंस है आर इसको आर कोयल के लेते हैं या आर वन के लेते हैं चलिए आर वन के लेते हैं आर वन जो है हंड्रेड ओम्स है और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फाइव वन कितना है वन मिली वेबर है यानी टू स थ्री वेबर्स हो गया और क्वल के जो टर्न्स हैं इन नंबर ऑफ टर्न्स वो भी हंड्रेड है और गैलवानो की रेजिस्टेंस को आर टू रजिस्ट आर टू के लेते हैं लोड है तो आर टू फोर हंड्रेड ओह्स तो फाइंड क्या करना है ईएमएफ कितनी है और करंट कितना फ्लो हो रहा है उस ई एम एफ के नतीजे में इस गलवानोमीटर से कितना करंट जाएगा कि इसकी सुई क्या दिखाएगी प्रॉब्लम एक दफा फिर यहाँ से समझ लें कि इस कोयल को के साथ सीरीज में फोर हंड्रेड का गैल्वानोमीटर लगा हुआ है इसकी अपनी रेजिस्टेंस भी हंड्रेड ओम है और नंबर ऑफ़ टंस भी हंड्रेड है इस जगह पर रखा हुआ है जहाँ पे वन मिली वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हटा के यहाँ से सिरकाया गया है और सरकाने का टाइम क्या है वन बाई टेन सेकेंड एक सेकेंड के दसवें हिस्से में इसको सरका के इस जगह पर रखा हुआ है जहाँ पे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पॉइंट टू मिली वेबर्स बन जाता है तो चूँकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस वजह से इसके अंदर ई एम एफ इंडियूस होगी और उस ई एम एफ इंड्यूस होने के नतीजे में करंट भी फ्लो होगा क्योंकि ग्लवानोमीटर की मदद से सर्किट को कम्प्लीट किया गया तो दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं पहले ई एम एफ़ एंड देन करंट टाइम भी लिख लेते हैं डेल्टा टी डेल्टा टी आपके पास यहाँ पे होगा डेल्टा डी इक्वल टू वन बाई टेन सेकेंड या ज़ीरो पॉइंट वन सेकेंड ये अभी हमें यूज़ करना होगा तो सॉल्यूशन इसका क्या है फराडिज़ ला फ्राडिज ला को यूज़ करेंगे बाई फराडिज़ फाइडी जिला की मदद मतलब से मैं इंड्यूस्ड का हमारे पास क्या आता है फार्मूला माइनस एन डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी तो आ, कितनी होती है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं नंबर ऑफ टर्न्स हम इसमें पुट कर देते हैं हंड्रेड टर्न्स है और डेल्टा फाइव क्या होगा डेल्टा फाइव इज इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइव टू माइनस फाइव वन चलें ऐसे ही लिख देते हैं फाइनल में से इनिशियल फ्लक्स माइनस किया है और टाइम पे डिवाइड कर दें जीरो पॉइंट वन सेकेंड तो क्या होने वाला है ये वन हंड्रेड फ्लक्स टू कितना है जीरो पॉइंट टू मिली वेपर है टेन टू पावर माइनस थ्री माइनस फ्लक्स वन कितना है पहले कितना फ्लक्स था वन एंड टू टेन टू पावर माइनस थ्री वेबर्स था और ज़ीरो पॉइंट वन तो ये आता है आपके पास माइनस टेन कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे यहाँ पे चेंजेस माइनस एट आ रहा है माइनस एट इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री डिवाइड बाई जीरो पॉइंट वन तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस थ्री अपॉन ज़ीरो पॉइंट वन ये होगा ई ई एम एफ इज इक्वल टू वन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई एट कितना होगा ये एटी हो जाएगा एटी मल्टीप्लाइड भी टेन टू पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड भी ज़ीरो पॉइंट वन है तो वन पॉइंट टेन लिख सकते हैं टेन ऊपर आ जाएगा तो ये एट हंड्रेड हो जाएगा एट हंड्रेड मल्टीप्लाड भी टेन टू पावर माइनस थ्री और ये अब इसके साथ आप मूव करें ज़ीरोज़ को तीन जीरो मूव हो जाएंगे तो जीरो पॉइंट एट वोल्ट इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है तो एक आंसर तो ये रहा कि अगर कोयल को वन मिली वेबर वाली पोजीशन से हटा कर पॉइंट टू मिली वेबर वाली पोजीशन पे ले जाएँ एक सेकंड के दसवें ऐसे में तो उसके अंदर जो ईएमएफ एम होगी वो ज़ीरो पॉइंट एट वोल्ट होगी ये एक आंसर आपका आ गया अब आपके पास ईएमएफ आ चुकी है करंट फाइंड करना मुश्किल नहीं है टोटल करंट आपने करंट निकालना है तो टोटल रजिस्टेंस सर्किट की आपके पास होनी चाहिए एक तो आपके पास है रजिस्टेंस है कोयल की जो कि हंड्रेड ओम है दूसरा आपने गिलवानो यहाँ पे लगाया हुआ तो है तो गिलवानो की रेजिस्टेंस है फोर हंड्रेड ओम तो टोटल मिला के इनकी रेजिस्टेंस जो बनती है आर इक्वलेंट जो है सीरीज में हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड तो टोटल ब, टोटल बनती फाइव हंड्रेड अब करंट फाइंड करना मुश्किल नहीं है करंट किसके बराबर होगा ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस टोटल आर टी रिजिट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो करंट के लिए आप वैल्यूज पुट कर दें कितना कितना है जीरो पॉइंट एट वोल्ट आ रहा था और उसके नीचे आप फाइव हंड्रेड लिखें और डिवाइड करें क्या आंसर आता है ये आएगा जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स एमपेयर आएगा यानी क्या होगा ये करंट हो जाएगा 1.6 पॉइंट सिक्स मिली एमपेयर तो गिलवानो की सुई कितना करंट दिखाएगी 1.6 पॉइंट सिक्स मिली एमपेयर करंट दिखाएगी अगली वीडियो तक तो के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज